नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो रीट भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट है वो निकल के आ रही है। आज शाम की अपडेट है, अदालत में लटक सकती है रीट 2021। हाई कोर्ट ने गैला सरकार से मांगा है जवाब। राजस्थान हाई कोर्ट ने रीट नोटिफिकेशन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर राजस्थान सरकार से जवाब मांगा है। अब अदालत में इस मामले में 2 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। इसको लेकर दोस्तों कई सारे जो लोगों को यहाँ पर जो है नोटिस है वो राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया है। इसमें चुनौती दी गई थी कि राजस्थान जो रीट भर्ती परीक्षा हो रही है उसमें जो लेवल फर्स्ट में बीए डिग्रीधारियों को शामिल नहीं किया गया है, इसको लेकर याचिका दायर की गई थी। और याचिका को लेकर दोस्तों जो रीट समन्वयक और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनको नोटिस है वो दिया गया है। पूरे एक और बता देता हूँ दोस्तों, तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर मंगलवार को राजस्थान हाईकोर्ट ने रीट नोटिफिकेशन की चुनौती देने वाली याचिकाओं पर राज्य सरकार व अन्य से जवाब मांगा है। जस्टिस सवीना की खंडपीठ ने प्रमुख शासन सचिव, निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा कोऑर्डिनेटर रीट और चेयरमैन एनसीटी को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। अब अदालत में 2 फरवरी को अगली सुनवाई होगी, यानी कि अदालत में रीट की विज्ञप्ति दोस्तों वो लटक सकती है। इसको लेकर काफ़ी सारे लोगों को नोटिस है वो दिया गया है राजस्थान हाईकोर्ट को लेकर। क्या चुनौती है दोस्तों, भर्ती से पहले ही गाइडलाइन को चुनौती दी गई है। अभी भर्ती प्रक्रिया आपकी दोस्तों शुरू ही नहीं हुई है, उससे पहले ही ये कोर्ट के दरवाजे खटखटाना स्टार्ट हो गए हैं। बीएड डिग्रीधारियों का ये याचिका लगाई गई थी कि जो 23 अगस्त 2010 की गाइडलाइन है एनसीटी की, उसका इसमें असंवैधानिक घोषित किया गया है, यानी असंवैधानिक इसमें इसका यूज किया गया है। और लेवल फर्स्ट में बी ए डिग्रीधारियों को बाहर किया गया है, केवल बी एस टी सी डिग्रीधारियों को शामिल किया गया है। जबकि याचिकाकर्ताओं का कहना है कि बच्चों को उच्च स्तरीय और गुणवत्ता युक्त शिक्षा से वंचित नहीं किया जाता, लेकिन रीट लेवल फर्स्ट में डिग्रीधारियों को शामिल ना करने को लेकर संविधान के प्रावधान के खिलाफ है। तो ये दोस्तों इसमें कहा गया है। इसकी अगली सुनवाई दोस्तों 2 फरवरी को होगी। तो दोस्तों ये आपकी भर्ती रीट की विज्ञप्ति दोस्तों कहीं हाईकोर्ट में ना टक जाए, इसको लेकर जो है जो जिज्ञासा है दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट परेशान भी हैं। आप देख सकते हैं जी राजस्थान के न्यूज़, रीट भर्ती 2021 से जुड़ा मामला, लेवल फर्स्ट में जो बीएड योग्यता वाले अभ्यर्थियों को शामिल नहीं करने को लेकर हाईकोर्ट ने रीट समन्वयक, प्रमुख शिक्षा सचिव, शिक्षा निदेशक सहित अन्य को जारी किया नोटिस। जस्टिस सवीना की खंडपीठ ने दिए आदेश। उपेन्द्र यादव ने वहीं कहा है, उन्होंने भी ट्वीट किया था, उन्होंने बताया है कि आप अपनी जो तैयारी है वो समय पर करें, 25 अप्रैल को आपकी परीक्षा तय समय पर की जाएगी। वहीं दोस्तों इसको लेकर जो 25 अप्रैल को आपकी जैन का जो बड़ा त्यौहार मनाया जाता है जैन समाज में, उसको लेकर भी एप्लीकेशन लिखी गई है, नोटिस है वो सरकार को दिया गया है कि आप इस परीक्षा को पोस्टपोन कीजिए। तो दोस्तों देखना होगा कहीं राजस्थान हाईकोर्ट की ये भर्ती परीक्षा रीट, माफ़ कीजिएगा, रीट की भर्ती परीक्षा कहीं राजस्थान हाई कोर्ट में लटक जाए। कोई भी अपडेट आएगी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, रीट की पल पल की अपडेट आपको चैनल पर मिलती रहेगी। अभी के लिए दोस्तों बहुत ही बुरी खबर है, कहीं अदालत में लटक सकती है आपकी रीट विज्ञप्ति। नोटिस जारी हो गया दोस्तों, 2 फरवरी को देखना होगा अगली क्या सुनवाई आती है, क्योंकि दोस्तों जो विज्ञप्ति है उसे रद्द होने की भी खबरें आ रही है कि विज्ञप्ति को रद्द किया जा सकता है। हालांकि पूरी खबर अभी सच नहीं है, जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता कुछ भी कहना सही नहीं होगा। कोई भी अपडेट आएगी मैं तुरंत अपडेट करूंगा। तो रीट से संबंधित पल पल की अपडेट के लिए आप ही चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, वंदे मातरम।